हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुगमा और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो अगेन मैं आज आप लोगों के लिए एक वेट लॉस की बहुत अच्छी सी रेसिपी लेके आई हूं, क्योंकि मुझसे बहुत से लोग वो बोलते हैं कि रेसिपी भी शेयर किया करिए टाइम टू टाइम। तो जी हाँ, आज मैं आप लोगों के साथ एक प्रोटीन की रोटी शेयर कर रही हूँ। इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ एक डिटॉक्स रोटी शेयर की थी और जो काफ़ी पसंद आई आप लोगों को, लोगों ने ट्राई भी किया, क्योंकि जो लोग रोटी नहीं खा सकते हैं वो उस रोटी को ट्राई कर सकते हैं। लेकिन आजकल चलन है प्रोटीन का और हम जैसे वेजिटेरियन जो हैं वो प्रोटीन सोचते हैं किन चीज़ों से लें, किन चीज़ों को वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डाइट में शामिल करें, क्योंकि प्रोटीन लें, क्योंकि हम वेजिटेरियन जो हैं, हम इंडियंस जो हैं वो अपनी डाइट में कार्ब्स ज़्यादा शामिल करते हैं, जो कि नॉट इज़ गुड फॉर योर हेल्थ। जिससे कि वेट काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है और वेट लॉस करने की हम सोच भी नहीं सकते हैं, और प्रोटीन ना के बराबर होता है। और मैंने काफ़ी सोचा है इसके बारे में। एक दिन मैं काफ़ी बैठ के सोच रही थी कि कितना ज़्यादा हम कार्ब जो है इनटेक करते हैं, प्रोटीन बहुत ही लेस क्वांटिटी में यूज़ करते हैं, और जिनको तो दाल वाल पसंद नहीं है वो तो बिल्कुल भी प्रोटीन अपनी डाइट में ऐड नहीं करते। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक प्रोटीन बहुत ही डिलीशियस रोटी शेयर करूँगी। बहुत ही टेस्टी है और मैं बता नहीं सकती कि कितनी टेस्टी है। जब मैं आपको बताऊंगी तो आप देखेंगे कि कितनी टेस्टी होने वाली है। ऑसम रिजल्ट है, बिकॉज 9 तरह के अमीनो एसिड्स हैं इस रोटी में। इस रोटी में प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा हाई क्वांटिटी में है, इस रोटी में कैल्शियम बहुत ही हाई क्वांटिटी में है, पोटेशियम बहुत ही हाई क्वांटिटी में है, जो वेट मैनेज करने में काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको देगा। और जो अमीनो एसिड्स होते हैं आई थिंक आपको इतनी जल्दी किन्हीं चीज़ों में नहीं मिलेंगे, और मतलब कि और ओमेगा 3 फैटी एसिड है इसमें, बिकॉज जो आपको फिश में मिलेगा वो आपको इसमें मिलेगा। भरपूर मात्रा में आपको इसमें फाइबर मिलेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल है इसमें आयरन भरपूर मात्रा में है, बोन हेल्थ के लिए जो मैग्नीशियम ज़रूरी होता है वो इसमें भर भर के है। तो सोच नहीं सकते कितनी हाई डिमांड एक तो रोटी है फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकंड चीज कितनी बेनिफिशियल होने वाली है ये रोटी आपके लिए। और जो लोग रोटी खाए बिना नहीं रह सकते हैं ये उसका एक साक्षात प्रमाण है। देखिए, मैं इस रोटी में ऑयल जो है वो बहुत ही लेस क्वांटिटी में यूज़ करूँगी, क्योंकि विदाउट ऑयल ये रोटी नहीं बन सकती है। तो मुझे इसमें जो है वो ऑयल यूज़ करना ही करना पड़ेगा, और वो ऑयल मैं यूज़ करूँगी नारियल के तेल, यानी कि नारियल का तेल मैं यूज़ करूँगी। आप चाहें तो इसमें ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं जो पर्सनली यूज़ करती हूँ कोकोनट ऑयल। और कोकोनट ऑयल से आपकी स्किन भी काफ़ी अच्छी रहती है, जो आप देख सकते हैं बिल्कुल सामने में, हमेशा आप लोगों के साथ रहती हूँ तो आप देख सकते हैं कोकोनट ऑयल का रिजल्ट। मैं पहले ऑलिव ऑयल यूज़ करती थी, लेकिन स्किन पे उसका उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता जितना कोकोनट ऑयल से आता है। वर्जिन वाला नहीं चाहिए आपको, वर्जिन ऑयल में कभी भी खाना पकाना नहीं चाहिए, ये वो बिल्कुल बेकार ही हो जाता है, नल के बराबर हो जाता है। हमेशा जो नॉर्मल कोकोनट ऑयल आता है, मैं पतंजलि का यूज़ करती हूँ, आप किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं, आप नॉर्मल जो कोकोनट ऑयल आता है ना वो आप यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल भी फैट नहीं है उसमें फैट। या फिर आप देसी घी ले सकते हैं, सैचुरेटेड फैट होता है, बॉडी में बिल्कुल भी नहीं लगेगा, आपकी बोन हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है। और ये जो मैं रोटी आपको बताऊँगी इतना बेनिफिशियल है कि आप सोच नहीं सकते हैं। आप इसे बच्चों को दे सकते हैं, बूढ़ों को दे सकते हैं, जो लोग आपके घर में वेट लॉस कर रहे हैं उनको दे सकते हैं, जो लोग ग्लूटेन फ्री खाना खा रहे हैं उनको दे सकते हैं, जिनकी डाइट में प्रोटीन की कमी हो है उनको दे सकते हैं। मतलब हर तरह के लोग आपके घर में इसे खा सकते हैं। बनाना बहुत ही ईजी है, अगर आपने इसका बैटर जो है वो फ्रिज में स्टोर करके रखा है तो झट से बन जाएगा, कोई दिक्कत भी नहीं है। आप इसे सब्जी के साथ खा सकते हैं, आप इसे सॉस के साथ खा सकते हैं, टेस्टी बहुत है। और जो भी प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करूँगी उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, क्योंकि मुझसे बहुत से लोग बोलते हैं कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक नहीं देती हैं, तो ऑफ कोर्स मैं उसमें दे दूँगी। और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब फटाफट से कर लीजिएगा, लेकिन साथ ही साथ एक छोटी सी बेल आइकन लगी है उसे प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही साथ मैंने एक न्यू चैनल भी लॉन्च किया है, उसका लिंक अभी आपको ऊपर शो हो जाएगा, तो वहाँ पर भी ज़रूर क्लिक करिएगा। वहाँ पर मैं ब्यूटी से रिलेटेड, हेयर से रिलेटेड लेके आती हूँ, तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और चले चलते हैं वीडियो की तरफ।
तो फ्रेंड्स इस डिश को बनाना बहुत इजी है, झटझट झटझट बनाया आप। मैंने बहुत लेस ऑयल इसमें यूज़ किया है, अगर आप कोकोनट ऑयल इसमें और डालना चाहे, घी डालना चाहे, नो प्रॉब्लम। जो वेट मैनेज नहीं कर रहे हैं, वेट लॉस नहीं कर रहे हैं, वो भी इसको खा सकते हैं, बिकॉज प्रोटीन इज़ गुड फॉर योर हेल्थ। हर किसी को प्रोटीन की जरूरत है। और ये न्यू हब्स की जो है आपको मिल जाएगा, बहुत बड़ी बड़ी साइट में मिल जाएगा, सारी साइट्स में नीचे दे दूंगी आपको। पर्सनली न्यू हब्स की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, प्राइस एक बार देख लीजिएगा, इट्स नॉट अ फाइनल प्राइस, क्योंकि रेट जो है वो घटा बढ़ा करते हैं, तो मैं आपको कभी भी इसलिए फाइनल प्राइस नहीं बताती हूँ। और सबसे अच्छी बात है हाई इन प्रोटीन, जो कि आपके बच्चों के लिए, आपके लिए, जो लोग वेट लॉस कर रहे हैं उनके लिए, जो वेट लॉस नहीं कर रहे हैं। इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल अच्छा लगा हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलती हूँ बहुत ही जल्दी नए वीडियो के साथ आपको।